स्पीकर लगाए के हब डैम जाएं और वहाँ से घूम के वापस आ जाएं और कोई जगह नहीं देखें। दूसरा ऑप्शन, हब डैम से पहले एक नहर आ रही है, उस नहर से होते होते पीछे से घूम जाएं। और तीसरा ऑप्शन है कि इस पहाड़ की तरफ ले जाके वापस आ जाएं और सीधा बागात के अंदर से होते होते वापस चले जाएं। डैम देखते हैं, डैम एक जैसा लगेगा, एक जैसा लगेगा, एक जैसा लगेगा, डैम एक जैसा लगेगा। यहाँ से समझ लो 25 किलोमीटर है डैम। हाँ, अब जहाँ जो देखना है वो बताओ, चाकरान के फार्म हाउसेस देखने, अब डैम को देखना है या नहर तक जाना है? जैसे देख लें आप। नहीं बताओ, या फिर घर जाना है? हाँ अभी टाइम क्या हो गया? 12:30। 3 बजे तक तो नहीं आ सकते वापस, 3 बजे तक वापस नहीं आ सकते। हाँ बेस्ट है फार्म हाउस में अगर आप देख रहे हैं। और यह है कि फिर नहर तक जाएं और वापस आ जाएं। डैम तक चलो, फिर तभी बनाएंगे इकट्ठे 4-5 दोस्त, कुकिंग वुकिंग करेंगे फिर। ठीक है, अब क्या करें? अब तो छोटा मोटा देख के फिर निकलते वापस। चलो ट्राई करते हैं यहाँ से ना, फिर चाकरान फार्म हाउस को देख के। ये फिश का रेट पता करें? ऑफ रोडिंग है उसमें थोड़ी, 2-3 किलोमीटर ऑफ रोडिंग है। चलो कोई ना, फिर उसके बाद वो आ जाएगा, फार्म हाउस आ जाएंगे। ये फिश का रेट वाला पता करें यहाँ कौन क्या है? जो चेक करो जो समझ में आए, ले लो। अभी तो रेट पूछ रहे हैं, फिर अगली बार आएंगे। 350 रुपये किलो तक है अच्छे वाला, ऐसे है ना? कौन सा? हाँ 350 रुपये किलो, 4 किलो एक पाव। हाँ ये पूरे ये डैम की फिश नहीं है सर, कंफर्म है ये डैम की फिश नहीं है, ये फॉर्म की फिश है। हो सकता है क्योंकि फॉर्म की फिश ऑल हमेशा जो है ना, एक तकरीबन एक साइज़ की मिलेगी आपको, क्योंकि वो एक ही टाइम में छोड़ी होती होती हैं और सारा कुछ उनका टाइम पीरियड पकड़ने का सब कुछ, तो वो एक साइज़ में एक जैसी होती है। डैम की आप जो फिश पकड़ोगे, कोई बड़ी आएगी कोई छोटी आएगी जाल में आपके, ये डैम की नहीं तो उसकी।
पकड़ लो भाई, वापसी भी आ रहे हैं। प्रोफेसर साहब कहाँ फंसा दिया है यार। अरे यार क्या कर दिया यार। Push, push. Ah, push the wrong button.
जी हम जैसे मज़ा आया आपको बिल्कुल फ्रेश वाटर है यस ऑफ कोर्स ठीक है। ये हमारे सुल्तानाबाद के भाई हैं। एक अरसा मैंने कोई 8-10 साल सुल्तानाबाद को बहरी कॉलेज में पढ़ाया हुआ है। 10 साल पढ़ाया मैंने केमिस्ट्री सब्जेक्ट आपको पता ही फिर केमिस्ट्री। चलो जो सुल्तानाबाद के जवानों चले आ जा बिस्मिल्लाह करें गुड अली अली आ जाओ बात सुने पांव जरा बेंड करना यूं कर देना ये नहीं मारेगा मुझे डर रहा है नहीं वजन ज्यादा है वो थोड़ा कम है बंपी भी लगती है नीचे ये भी सुल्तानाबाद के सुल्तानाबाद के जुबैर और क्रिकेट टीम है हसीन और रहमान ग्रुप आपने नाम सुना होगा जी अनरजिस्टर्ड खिलाड़ी में पढ़ा देते हैं सारे और ये आपकी पुरानी क्रिकेट टीम है अगर आपको याद हो नाम बताएं लगाएं चली गई हाँ बस आपको प्रैक्टिस करूँगा यार दो समझना शाबाश गुड नहीं पानी कांच पानी के साथ कहाँ जोर लगा थे ये आसान काम नहीं है जवान ये आसान काम नहीं है ये बहुत तेज पानी ना इसमें पानी कम है ना आज मतलब ज़रा बहुत कम पानी है ठीक ठाक है कम जी अलग बस लड़ो बड़ो अफगान शुकाना यार कम ये पक्तिका है मुसाखेल है कंधार है कम जी हेलमान दे जमोमान देम खुश है शिंडर है सही चले जनाब रस्सी लगानी चाहिए भाई ये नहर है ना ये बनाई इसलिए जाती है अक्सर औकात इसलिए इसके लोग ना नहाए ज्यादा ना नहाए ये दादी जी में जाएगा ना 24 फीट गहरी है लेकिन वो ये तो इसमें फिर भी हाथ पकड़ सकते हैं ना वो बिल्कुल फ्लैट है जम के लिए कम से कम 15
आपने क्या मुश्किल है, वजन वजन होता है, ये आपकी आ गई है, ये आपकी वीडियो बन गई है। अगर ये हो ना सही तो मैं आपको ऐसा जंप लगा के दिखाऊंगा, आप खुद हैरान हो जाएंगे। आजा भाई आजा, वापस आजा। तो करो कट ये। क्या हुआ, कट गए? दा उस संपत्ति वजन किम का ना डेली 6 किलोमीटर 7 किलोमीटर मंडो वही। चलो जाने सुल्तानाबाद के जवानों, चले आजा आजा आजा, बिस्मिल्लाह करें। गुड अली अली, आजो आजो आजो, बात सुने, पांव तेरे बेंड करना, यूं कर देना। ये नहीं मारेगा मुझे, डरना नहीं, वजन ज्यादा है, वो थोड़ा कम है। दूसरा रख ले, रोटी बकरी खा ले ना, जगह गलत मुंह बस रहा नहीं बुआ, पूछ पे ना खा खा। चलो भाई नासिर जो है ना, ये माल तैयार हो जाए उसके बाद आपको छोड़ेंगे। नहीं नहीं नहीं, जगह गलत खैर है, दोबारा कर ले। मैंने कह रहा, मैंने कुछ वक्त सुल्तानाबाद में गुजारा 10 साल। बिल्कुल सर, ये हमारे प्रोफेसर साहब थे, ठीक हमारे साथ होते, अब नहीं होते, अब निकल गए वहाँ से, अरसा हो गया निकल गए। ठीक है, ये सुल्तानाबाद की टीम है और बहुत पुराने दोस्त हैं, इत्तेफाक से आज जो है हब रिवर के किनारे इनसे मुलाकात हो गई है। और ये नासिर भी एक वक्त था, एक ज़माना था, आज हम 3 साल बाद मुलाकात हो रही है, तकरीबन 4-5 साल बाद, 5 साल बाद मुलाकात हो रही है। और ये देखें आप, ये हुसन है और ये पख्तून कल्चर। आप समझते हैं कि हम लोग ऐसे भी दरिया बयाबान और पहाड़ों के शौकीन हैं, दरियाओं नदियों के शौकीन हैं, यहीं पर हम अपनी वाइल्ड लाइफ टाइप की नेचुरल ज़िंदगी गुजारने की पूरी कोशिश करते हैं। और ये हमारी जिबिलत इन पार्ट ऑफ एक्सेंट एंड नेचर है। वे दरवन है।